भारत के नजरिए से यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड, नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया गया है। अभी कीर्तिमान क्या है, पूरी खबर हम आपको समझाते हैं। दरअसल ऋषभ पंत ने एक नया रिकॉर्ड कायम करा है। जी हाँ, वही ऋषभ पंत जिनकी फॉर्म के ऊपर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं, जिनके खेलने के तरीके पर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं, जिनकी विकेट कीपिंग और उनके खुद के हेल्थ पर कई सवाल उठते हैं, लेकिन उन ऋषभ पंत ने अब सभी के मुंह पर ताला लगा दिया है। जी हाँ, ऋषभ पंत सबसे कम पारियों में 1000 रन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। 16 टेस्ट 27 पारियां लगी ऋषभ पंत को 1000 के आंकड़े तक पहुंचने में। इससे पहले उनके गुरु यानी कि महेंद्र सिंह धोनी इस पायदान पर थे, सबसे पहले नंबर के पायदान पर थे, लेकिन अब गुरु को छोड़ आगे चेला निकल चुका है। वहीं पर एमएस धोनी की हम बात करें तो 32 पारियों में एमएस धोनी ने 1000 रन अपने नाम किए थे, यानी कि अब तक का सबसे कम पारियों में सबसे ज्यादा जो 1000 रनों को छूने का आंकड़ा था वो महेंद्र सिंह धोनी के नाम था, लेकिन अब यह आंकड़ा ऋषभ पंत के नाम हो गया, जहां पर उन्होंने 27 पारियों में 1000 रन अपने नाम करें, जहां पर उन्होंने महज 16 टेस्ट मैच खेले, जहां पर उनको वापस काफी टाइम तक अंदर बाहर भी होना पड़ा था टेस्ट सीरीज में और भारतीय टीम में भी। वहीं पर 11 टेस्ट की 22 पारियों में ऋषभ पंत पहले विकेटकीपर हैं जिन्होंने भारत के लिए 50 विकेट चटकाए हैं एज अ विकेटकीपर, कॉट बिहाइंड कर कैच लेकर। तो वहीं पर हम आपको इस पूरी सूची में बता देते हैं, इस पूरी सूची में जिन जिन के नाम हैं उनके हम आपको नाम बता देते हैं। तो दूसरे नंबर पर एमएस धोनी हैं जिनके 1000 रन हैं, जिन्होंने 32 पारियों में ये आंकड़ा छुआ है। उसके बाद फारूक इंजीनियर आते हैं जिन्होंने 36 पारियों में ये आंकड़ा छुआ है। फिर चौथे नंबर पर आते हैं रिद्धिमान साहा। जी हाँ, भारत के एक और विकेटकीपर रिद्धिमान साहा इसमें चौथे नंबर पर आते हैं। और वहीं पर हम बात करें आगे इस पारी में तो नयन मोंगिया हैं जिनकी 29 पारियों में 1000 रन जिन्होंने छुए हैं। फिर उसके बाद सैयद कीरमानी हैं जिन्होंने 45 पारियां ली इस कीर्तिमान को छूने के लिए। और फिर इस लिस्ट में आगे जिन जिनके नाम शामिल हैं वो भी इसी तरह से विकेटकीपर की उस सूची में बने हुए हैं। तो ऋषभ पंत ने एक और कीर्तिमान हासिल किया है, अपने गुरु यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, अपने आइडल को पीछे छोड़कर अपना पहले नंबर पर नाम उन्होंने यहां पर काबिज कर लिया है, अपने आप को स्टेबल कर लिया। तो ये बड़ी जीत भारत को, सभी को इसकी जीत के लिए बधाई। और भारत का ये जो ऑस्ट्रेलिया दौरा है ये बेहद महत्वपूर्ण था, ये बेहद रोमांचक था। आपको ये दौरा कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ ऋषभ पंत के बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और हमारे इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।